एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा हालत देख सकते हैं कैसा हो गया, और मेरे बेटे का भी, क्योंकि हम दोनों बहुत टाइम से बीमार हैं। कम से कम 1 वीक हो गए हम दोनों का। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, फीवर हो गया था, ठंड लग रही थी, और साथ में वॉमिटिंग, मतलब दोनों को बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। देख सकते हैं ये कुछ भी नहीं खा रहा है मेरा। मैं तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि कुछ खाऊं, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए। अभी घर में मम्मी पापा भी नहीं है, मम्मी पापा गांव जा चुके हैं, और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड देवर और आरुष है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर घर का, अगर कोई लेडीज़ बीमार हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर के लिए। और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी। और सेम सिचुएशन मेरे बेटे का भी है, ये कुछ भी नहीं खा पी रहा है, कुछ भी नहीं। अभी आज इसने थोड़ा सा पेस्ट्री मंगवाया है, क्योंकि खाने में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, टेस्ट नहीं आ रहा फिर भी खाने की कोशिश कर रही, ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिले और वीकनेस थोड़ा सा कम हो। मेडिसिन वगैरह चल रहा है, डॉक्टर से भी हमने दिखाई थी और मेडिसिन तो चल रहा है, बट ये प्रॉपर मेडिसिन नहीं खा रहा है। यहाँ पे आरुष टीवी में XYZ देख रहा है, क्रेजी XYZ, और हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ आरुष खा रहा है पेस्ट्री। कैसा लग रहा है बेटा? तो काफी ज्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बीमार होके। मैं सोच रही हूँ कब जल्दी से जल्द ठीक हो जाऊं। बहुत बुरा लगता है जब बीमार पड़ते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा भी इधर उधर कर लो ना, चक्कर आने लगते हैं और ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं कब खिला दो, मैं खिला देती हूँ। पता नहीं कब हम दोनों प्रॉपरली ठीक होंगे। अभी इसका भी स्कूल मिस हो रहा है, मेरा भी स्कूल मिस हो रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बीमार की वजह से। और अभी हमारे यहाँ वेदर ऐसा है ना कि सभी बीमार हो रहे हैं, हम लोग ही नहीं, सभी बीमार हो रहे हैं। मेरे मायके में भी पापा की तबीयत खराब हो गई। कंबल उड़ा दूं, रुको। तो वहाँ पे भी मेरे भतीजे की, पापा की, दोनों की तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तो मम्मी ही यहाँ पे रही, एक दिन भाभी आई थी शाम को, जब पता चला उन्हें कि मेरी तबीयत खराब है तो उन्होंने खाना बनाया था। फिर दूसरे दिन मम्मी आई, सुबह से लेके पूरे रात तक रही मम्मी ने खाना बनाया। तीसरे दिन तो हस्बैंड को करना पड़ रहा है अभी फिलहाल। और अभी आज मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो मैं थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ, बट सारा उनको ही करना पड़ रहा है। ऊपर से शॉप भी है तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। और बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बीमार होने से। पूरा वीकनेस हो गया बहुत ही ज़्यादा, और प्रॉपरली मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ यूट्यूब पे। तो कोई बात नहीं है, वीडियो का क्या है, ठीक हो जाएंगे तो वीडियो तो बनते रहेगा। लेकिन बीमार होने से ना क्या होता है, हमारा सारा काम जो होता है ना रुक जाता है। अभी मेरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो पूरा रूम वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं एकदम भी कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ करने का सोचती भी हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं सोची कि एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई। मुझे कुछ भी करूँ ना, मैंने अपना टीचिंग भी ज्वाइन किया है, टीचिंग लाइन ज्वाइन की है, लेकिन फिर भी एक मेरा जो जुड़ाव है ना इस वीडियो से, यूट्यूब से, वो मेरा नहीं जाता है। मैं 2-3 साल से यूट्यूब पे हूँ, सक्सेस नहीं मिला, लेकिन मेरा इससे बहुत ही अलग एक जुड़ाव है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला शायद, क्योंकि ये एक मेरा शौक सा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं सक्सेस हुई या नहीं हुई, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। और यहाँ देख सकते हैं ये दिख रहा होगा आपको, तबीयत खराब होने की वजह से ना ये जड़ निकल गया इस पर।
तो गाइस मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ी सी बातें करूं, अभी थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो सोचा थोड़ा सा बातें करूं। और क्या बोल सकती हूँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्द मैं ठीक हो जाऊँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अच्छी हो जाऊँगी, सही हो जाऊँगी, उसके बाद ज़रूर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।